आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन ठीक है आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कहता है हमसे अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ पंद्रह सेंटीमीटर एंड पांच सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस टू अपटे अ पेरल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉन्केव लेंस ठीक है तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँता हूँ क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है एक्चुअली ठीक है देखिए हमें से कहा गया है कि सब एक हमारी पेरल बीम ऑफ लाइट है ठीक है कुछ ऐसे पैरल जा रही है वो ठीक है और पहले हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया इसके रास्ते में ठीक है तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है और कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद कुछ डिस्टेंस पे अगर ये मान लें ठीक है हमने एक कॉन्केव लेंस भी रखा है ठीक है सॉरी इसके डायग्राम के लिए ठीक है अब देखिए और हमसे कहा गया है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के बाद जो फाइनल जो रेज है वो भी पैरल ही जा रही है ठीक है तो हमें ये बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है अब देखिए यहां से रेस पैरल आ रही है ठीक है और इसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है फोकल लेंथ इसकी कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है तो हम जानते हैं अगर रेस पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज को कितने पे बनाएगा इमेज को अपने फोकस पे बनाएगा फोकस इसका पंद्रह सेंटीमीटर है ठीक है अब देखिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एक सिली मिस्टेक की वजह से वो सिली मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ देखिए ये जो यहाँ से आ रही है ठीक है तो ये इन्फिनिटी पर अगर सॉरी फोकस पर अगर मीट कराएगा तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसका पे फोकस मान लिया ठीक है ये पंद्रह सेंटीमीटर पर फोकस मान लिया हमने ठीक है अब देखिए अब हमसे अब हमसे क्या बोलोगे फाइनली भी पैरेलल होनी चाहिए अब यहां से अगर रेस हमें पैरेलल करानी है तो बच्चे क्या करते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये जो डिस्टेंस है वो फोकस की इक्वल होगी है ना फोकस की इक्वल होगी तो यहां से ये गया और focus, अगर डिस्टेंस फोकस इक्वल है तो फोकस से रेज आ रही और पैरल हो, हो गई तो आंसर बच्चे बीस बोल देते हैं ठीक है पर ये ऑप्शन एक्चुअली ये लीज डिस्टेंस नहीं है ठीक है ये मतलब फाइनल आंसर नहीं हो सकता हमारा एक्चुअली हमारा एक और आंसर आएगा ठीक है क्या है वो आंसर देखिए यहां से हमने ये देख लिया फोकस पर मीट कराएंगे ठीक है लेकिन अब देखिए अगर यहां पे देखिए दूसरे डायग्राम में ठीक है कुछ ऐसा पूछा है ये है ये आ रही है ठीक है अब मान लीजिए हमें ये पता है लेंस के दो फोकस होते हैं ठीक है तो ये ऐसे आई अब देखिए मान लीजिए इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर मैं इसको यहां रख दू ठीक है ये जो रेज है ये इसको ऐसे देखें कि ये इसके राइट वाले फोकस से आ रही है की ओर आ रही है मतलब ठीक है ना ये और ये डिस्टेंस पांच सेंटीमीटर है ना, तो अभी ये पैरेलल ही तो जाएंगी यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी है ना क्यों क्योंकि लेंस के दो फोकस होते हैं या तो ये यह यहां से आके यहां से इस फोकस से आती लेकिन अब इस मैंने ये बताया कि इस वाले लेंस को ये दिख रहा है कि ये इस वाले लेंस की तरफ आ रही है इस वाले फोकस की तरफ आ रही हैं ठीक है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा थोड़ा अब एक्चुअली तो अगर इस वाले फोकस की तरफ आ रही हैं तो भी रेस पैरल ही हो रही है और अगर ये पांच सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमारा ये टोटल डिस्टेंस पंद्रह सेंटीमीटर थी तो ये डिस्टेंस अब कितनी बची ये तो दस ही बची केवल तो हमारा ये दस आंसर है ठीक है अब ट्वेंटी की हमें जरूरत ही नहीं है हमें केवल दस से ही काम चल रहा है हमारा अगर हम दस सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी रख दें तो भी हमारा आंसर आ रहा है तो हम इसका आंसर दस सेंटीमीटर बोलेंगे अगर मल्टीपल करेक्ट है तो हम बीस और दस दोनों बोल सकते हैं लेकिन इस केस में तो हम आंसर दस सेंटीमीटर बोलेंगे ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मैं होप करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ठीक है थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती थी बट अब मैंने बता दिया तो थैंक यू क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर